नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो में। आज हम जानने वाले हैं कि सपने में सांप को इंसान बनते देखना कैसा होता है या सपने में इंसान को सांप के रूप में देखना कैसा होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में कई ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है जिसमें सांप को इंसान का रूप धारण करते हुए बताया गया है। तो दोस्तों, सपने में आप एक सुनसान जंगल से गुजर रहे होते हैं, आपके आगे कई सारी झाड़ी थी, आप इन झाड़ियों के अंदर से देख रहे थे। सपने में देखा कि रास्ते पर चलते हुए एक सांप अचानक इंसान में बदल जाता है। तो मित्रों, ये सपना आपके लिए शुभ संकेत माना जाएगा। ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपके दुश्मन के मन में आपके प्रति नफरत खत्म हो जाएगी। आपके जितने भी दुश्मन हैं, वो आपसे नफरत करना बंद कर देंगे। अब बात करते हैं सपने में आधा इंसान और आधा सांप देखना कैसा होता है। हमारे हिंदू धर्म की कई किताबों में इस प्रकार के मानव के बारे में जिक्र किया गया है जिसका नीचे का शरीर सांप का और ऊपर का शरीर मानव का, या उसका ऊपर का शरीर तो सांप का है और नीचे का शरीर सांप का है। दोस्तों, ये सपना बहुत ही ज्यादा डरावना प्रतीत होता है। मित्रों, इस सपने से आपको डरने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में आपके दुश्मन की आधी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। आपके दुश्मन की कमजोर नशा आपके हाथ में होगी, या आने वाले समय में आपके अंदर इतना ज्यादा साहस पैदा हो जाएगा कि आपकी शक्ति के आगे दुश्मन की शक्ति बेअसर हो जाएगी। अब बात करते हैं सपने में इच्छाधारी सांप देखना कैसा होता है। हमें पता है कि दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने इच्छाधारी नाग देखा हो। इच्छाधारी नाग के बारे में हमारे नाग शास्त्र में बखूबी से बताया गया है। इसके अलावा कई कहानियों में इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में पढ़ने को मिलता है। सपने में आप देखते हैं कि कोई इंसान देखते देखते आपकी आंखों के सामने नाग का रूप धारण कर लेता है और थोड़ी देर बाद किसी दूसरे जानवर का रूप धारण कर लेता है। तो ये सपना आपके लिए शुभ संकेत नहीं देता है। ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपके साथ छल कपट होने वाला है, जिसके चलते आपको कई सारे आरोप को भी सहन करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।